और ये स्पेशल आइसक्रीम बनाई जा रही है जी, जापान में टॉवर नुमा शेव्ड आइसक्रीम है जिसे बहुत स्पेशल अंदाज में बनाया जाता है। शेव्ड आइसक्रीम को चहलकदमी का करते हुए नहीं खाया जा सकता। जापान में शेव्ड आइसक्रीम वैसे तो हर जगह ही मिल जाती है, लेकिन टॉवर नुमा ये जो आप अपनी स्क्रीन पर शेव्ड आइसक्रीम देख रहे हैं, ये जापान के सिर्फ एक रेस्टोरेंट में दस्तयाब है। और जितने भी रहने वाले हैं जापान के या फिर कोई टूरिस्ट जाते हैं तो वो इसके जाने बहुत ज़्यादा रागब भी हो रहे हैं और इसे पसंद भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये शेव्ड आइसक्रीम 634 मिलीमीटर तवील होती है जिसे टोक्यो स्काई ट्री की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। और 634 मीटर तवील आइसक्रीम के शौकीन इसे चहलकदमी करते हुए बिल्कुल नहीं खा सकते। और इसको खाने के लिए आपको बाकायदा तौर पर एक नशित संभालनी होगी, किसी जगह पर आराम से बैठना होगा, उसके बाद आप इस आइसक्रीम को प्रॉपर अंदाज में इंजॉय कर सकते हैं। रंगीन फ्लेवर्स हैं, मल्टी कलर्स हैं जिस तरह हम लोग देखते हैं, और ऑब्वियसली फ्लेवर्स जितने भी मौजूद होंगे क्योंकि इसके सिर्फ शेप डिफरेंट है, तो कोशिश की गई होगी जापानीज़ की जानिब से, रेस्टोरेंट के मालिकान की जानिब से, कि तमाम फ्लेवर्स में दस्तयाब हो ताकि जितने भी आने वाले हैं किसी को भी मायूसी का सामना ना करना पड़े, बल्कि तमाम को उनके मनपसंद फ्लेवर में ये शानदार और एक मुनफरिद अंदाज में आइसक्रीम पेश की जा सके। और इसके साथ साथ इसको एक बड़े कटोरे में पेश किया जाता है जी, जिसको खाने के लिए लोग दौड़े चले आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि टॉवर नुमा शेव्ड आइसक्रीम को इतनी महारत से सेट किया जाता है कि ये बहुत देर से पिघलती है। आम आइसक्रीम की निस्बत जो है वो इसकी पिघलने की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। शेव्ड आइसक्रीम को सिर्फ बर्फ़ से तैयार किया जाता है, यानी इसका टॉवर बर्फ़ के चूरे से बनाया जाता है।